भाई अपनों ने सेल्फ चेक इन कर लिया है। ये जो बैगेज है जो मेरा आई थिंक वो दूसरी फ्लाइट में आएगा। नहीं ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने अभी जस्ट एक फिल्टर कॉफ़ी पी है अभी। मैं इतने टाइम से गायब था यूट्यूब से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली फाइन। मैं आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ फ्लाइट के अंदर, बिकॉज यार मैंने आज तक एक बार भी फ्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं किया। बस यार थोड़ा सा एक वो था कि हाँ यार फ्लाइट कैसी होती है, तो मैं आज जा रहा हूँ दिल्ली टू चेन्नई, देखते हैं यार एक्सपीरियंस कैसा होता है। इतनी भूख लग रखी है, मैं सही होता हूँ जाके देखते हैं एयरपोर्ट के अंदर की क्या मिलता है क्या नहीं। यार वैसे मैं चेन्नई कोई काम से नहीं, मैं घूमने ही जा रहा हूँ अपनी दीदी के पास। सो यार मैंने अभी जस्ट एंट्री ली है एयरपोर्ट के अंदर, और अभी मुझे पहले चेक इन काउंटर ढूंढना पड़ेगा विस्तारा का। उसके बाद क्या होगा मुझे यार इतना पता नहीं है, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। ओ सॉरी, गलत एंगल आ गया। मोरा विस्तारा काउंटर आपको शायद दिखेगा भी नहीं मेरे हिसाब से, तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। वैसे भाई अपनों ने सेल्फ चेक इन कर लिया है, ये जस्ट अभी यहाँ टाई करना है और ये वहाँ देखिए बैग को सबमिट कर देना है। जस्ट अभी चेक इन से फ्री हुआ हूँ और साथ में मेरा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ लाउंज जाने का, फर्स्ट टाइम आया और फर्स्ट टाइम में लाउंज यार, और वो एक्साइटेड थी यार। भाई ये दिल्ली का एयरपोर्ट कितना बड़ा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं चलते जा रहा हूँ उतने टाइम से, मुझे लाउंज नहीं दिखा है अभी तक, और कभी किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊपर है लाउंज, मैं नीचे नीचे देख रहा था अभी। लो भाई लाउंज एक्सेस मिल गया है जब। अच्छा ठीक है, अभी एंटर हुआ हूँ तो मैंने लिया सबसे पहले कॉफ़ी की। यार सुबह सुबह कॉफ़ी तो चाहिए ही बिल्कुल। यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं जब गया हूँ ये कहते कि अभी एक बार खाना नहीं है हमारे पास, हम आपको हाफ एन आवर में अवेलेबल करवा देंगे। मैं क्या यार सही, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने अभी जस्ट एक फिल्टर कॉफ़ी पी है अभी। अब देखते हैं हाफ एन आवर के अंदर ये प्रोवाइड कराते हैं नहीं कराते हैं। भाई सबसे सही चीज़ लाउंज की ये ब्राउनी, मैं सही बता रहा हूँ मज़ेदार है। भाई जब भी आओ दिल्ली एयरपोर्ट तो प्लीज़ लाउंज में आना, इतना अच्छा खाना है यहाँ का चुंगेश्वरी यार, ऑनेस्टली सही मज़ा आ गया खाते। गेट के पास है बिकॉज अब ऑलमोस्ट मेरे पास रह गया है एक घंटा, मुझे आई थिंक 12:45 तक दूर करना है। सो एक बार मैं जाता हूँ देखते हैं, मुझे अभी गेट अभी कंफर्म नहीं हो बिकॉज अभी दो बार चेंज हो गया है गेट मेरा, इसलिए अभी मैं वहाँ जाके कंफर्म करूँगा कि वही है नहीं। वैसे तो मेरा अभी 34B है, तो अभी देखते हैं। फाइनली आराम से बैठ गया मैं यार, फर्स्ट टाइम है मेरी फ्लाइट और वो भी विस्तारा। मैं तो बोला जाता है कि यार विस्तारा काफ़ी अच्छी फ्लाइट है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस, तो देखते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, रिव्यू भी दूंगा आपको इस चीज़ का। Yeah.
अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मैं कर ना दूं पिया। गलत, ये बहुत ऊपर ले आया है। अरे यार कुछ दिख नहीं रहा, ठोके गए। जस्ट अभी उतरा हूं और ये लो ये बस मुझे मिलेगी। भाई जस्ट लैंड किया हूँ अभी मैं, और अभी मैं जाके बैगेज क्लेम करूँगा। ये जो चेन्नई का एयरपोर्ट है ये रिसेंट में ही बना है, अभी जस्ट कुछ सारा टाइम हुआ, शायद एक साल हुआ होगा ज़्यादा ज़्यादा। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि बैगेज है जो मेरा, आई थिंक वो दूसरी फ्लाइट में आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा बैगेज लास्ट था तो वो डालना ही भूल गए। यार मतलब क्या बोलूँ मैं, चलो आएगा आएगा, दूसरी फ्लाइट में आएगा। चलो सब कुछ सही हो गया, मुझे मेरा बैगेज मिल गया, सब कुछ हो गया। सो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलता हूँ मैं तुमसे अगले ब्लॉग में। और यार एक और बात, मैं इतने टाइम से गायब था यूट्यूब से, कुछ भी नहीं आ रहा था। सो यार थोड़ा सा मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं यूट्यूब पे कुछ कर नहीं रहा था। सो प्लीज़ होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं पूरा ट्राई करूँगा कि यार मैं लेके आऊँ यूट्यूब पे नए नए ब्लॉग्स और सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।